प्रथम तहलका न्यूज। तो देखा आपने नाइट कर्फ्यू का नियम तोड़ने पर पुलिस ने कैसे सबक सिखाया। इन तस्वीरों को देखकर आप भी कुछ सबक ले लीजिए, नहीं तो अगली बार कहीं ये सजा आपको ही ना मिल जाए। ये तस्वीरें अंबाला से सामने आई है, जहां पुलिस प्रशासन ने रात के समय नाइट कर्फ्यू का नियम तोड़ने वाले मनचले लोगों को ऐसे उठक बैठक करवाया। बता दें कि हरियाणा में नाइट कर्फ्यू का समय रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के आदेशों के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्ती के मूड में नजर आया। बता दें कि ड्यूटी मैजिस्ट्रेट विनोद कुमार के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया। डीएसपी सहित कैंट थाना प्रभारी फुटबॉल चौक पर चेकिंग कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को कुछ ऐसे ढंग से सजा दे डाली। कई बार हम चेक करने पर जो बाहर आ रहे हैं, कोई एसेंशियल चीज़ें जैसे कोई मेडिकल फैसिलिटी के लिए या कोई और कोई बाहर से आ रहा है, तो उनके पास प्रॉपर टाइमिंग की रेलवे की टिकट है या और कहीं से है तो उसके पास चीज़ें हैं, तो उन लोगों को जाने दिया जा रहा है, बाकी खिलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। क्या भाई है कि कुछ लोग तो बिना बिना वजह ही घूम रहे हैं और उनकी जायज़ मजबूरी है उनकी, ऐसी बात और जो लगता है बिल्कुल ही फॉलो नहीं कर रहा चीज़ को, उसके खिलाफ़ कार्रवाई भी की जा रही है। रही बात दंड बैठक, ये तो एक प्रक्रिया है, किसी को कैसे तरीके से समझाना पड़ता है, किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है। तो प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के कहर के बाद से सरकार ने सख्ती का ऐलान कर दिया था, तो वहीं नाइट कर्फ्यू को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी सख्ती का आदेश जारी हुआ है, जिसके बाद अम्बाला में पुलिस तो पूरी सख्ती करती दिखाई दी और मनचलों को ऐसे उठक बैठक करवाया गया। प्रथम तहलका के लिए अम्बाला से ब्यूरो रिपोर्ट।